हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द सेवंथ वीडियो ऑफ द सेम चैप्टर रेंज। तो ऑलरेडी फ्रॉम द चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और अभी इस वीडियो में जो भी हम पढ़ने वाले हैं इट इज़ अबाउट द लेक्स, और यू कैन से इट इज़ अ वेरी जनरल डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको पता होनी चाहिए, एंड व्हेन यू विल रीड अबाउट द लेक तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर टॉपिक लेक्स। तो अगर हम बात करते हैं लेक की, तो ऑफ कोर्स जो सबसे पहली स्टेट हमारे माइंड में आती है दैट इज द वैली ऑफ द कश्मीर। और जब हम कश्मीर की बात करते हैं देन डल लेक, हाउस बोट, शिकाराज विच अट्रैक्ट थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरी ईयर इन दिस ब्यूटिफुल प्लेस। तो लाइक अगर हम लेक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे देश में इतने सुंदर लेक्स हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से कंट्री से हर साल पता नहीं कितने लोग यहाँ पर एंजॉयमेंट के लिए आते हैं। तो लेक्स आर नॉट ओनली प्रोवाइड ब्यूटी टू द नेचर एंड दो दे आर ऑल्सो यूज फॉर द बोटिंग, स्विमिंग एंड सेवरल अदर वाटर गेम्स हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड इन दोज लेक एरियाज। एंड वी कैन नॉट थिंक कि अगर हम बात करें श्रीनगर, नैनीताल, तो मे बी इन स्टेट के बारे में कोई भी नहीं जानता अगर यहाँ पर इतने सुंदर लेक्स नहीं होती। तो इस चैप्टर में हम बहुत अच्छे से, आपको क्लियर हो चुका है कि लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन निकल कर आएंगे। तो फर्स्ट आई वॉन्ट कि आप क्वेश्चन लिख लें, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेक। हमें अभी तक सिर्फ यही लगता है कि लेक्स की बात कर रहे हैं तो वो जो भी हमारी वाटर बॉडीज होती हैं जो ओशियन या सी से छोटी होती हैं दे आर कॉल्ड एज एन लेक्स। लेकिन लेक्स ऐसा नहीं है कि सारे लेक्स एक जैसे होते हैं, दे डिफर नॉट ओनली फ्रॉम ईच अदर इन साइज, सिर्फ साइज में ही वो छोटी नहीं होता, अलग अलग तरह की नहीं होती हैं, दे आर डिफर इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। अलग अलग लेक्स का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो एज यू मस्ट हैव रिटन द क्वेश्चन, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेक। तो अगर हम लेक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहीं से आएगा, सम लेक्स आर परमानेंट, मतलब कि उनमें हमेशा पानी रहता है, वेयर एज सम लेक्स आर सीजनल, उनमें पानी आपको सिर्फ तब दिखाई देता है व्हेन देयर इज अ रेनी सीजन। सो दिस इज द वन पॉइंट यू कैन राइट डाउन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेक्स, कि सम लेक्स आर परमानेंट एंड सम आर सीजनल। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, इट इज अ मेंडरिंग रिवर। मेंडरिंग रिवर, जब रिवर अपने लोअर कोर्स में आ जाती है और वो एस शेप्ड में फ्लो करने लगती है, एंड व्हेन देयर इज एन, और इस तरह से एस शेप्ड में फ्लो करते करते जहां पर एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा, सेडिमेंट का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो रिवर का एक पार्ट कटकर उससे अलग हो जाता है, एंड दैट टाइम इट फॉर्म द ऑक्सबो लेक। तो वो जो छोटा सा पानी का, रिवर से पानी का जो थोड़ा सा कटकर अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द सेडिमेंट, इट इज कॉल्ड एज एन ऑक्सबो लेक। सो दिस इज द सेकेंड कैरेक्टर, लाइक ऑक्सबो लेक, स्मॉल वाटर लेक हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट और इट गेट स्प्लिट फ्रॉम द मेंडरिंग रिवर। अब बात करते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, देन यू नो कि जो एक्टिविटी पानी के बाहर हो रही है, सेम एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द कोस्टल एरियाज, समुद्र के किनारे पर भी ऐसा ही होता है। समुद्र का पानी उछलकर बाहर आता है, थोड़ा सा जब वहां पर एक्यूमुलेशन हो जाता है, फिर कॉन्टिन्यूअसली एक्टिविटी चलती रहती है, और जब पानी एक सर्कल के अंदर समुद्र के किनारे पर कोस्टल प्लेन पे इकट्ठा हो जाता है, एक छोटी सी जो आपकी लेक है वो फॉर्म हो जाती है नियर अबाउट द बिग वाटर बॉडी, देन इट इज कॉल्ड एज एन लेगून। अगेन रिपीटिंग द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, स्पिट एंड बार, अलग हो जाने से, थोड़े से पानी के कोस्टल एरिया पर अलग हो जाने से लेगून इज फॉर्म्ड, दे आर द स्मॉल वाटर लेक। एंड हेयर यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द चिलिका लेक जो आपके ओडिशा में है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लेगून। पुलिकेट लेक, कोलेरू लेक, ये दोनों आपकी आंध्र प्रदेश में है, ये मार्क करने के लिए आपके एग्जाम में आ जाती हैं। नाउ दैट कैरेक्टरिस्टिक वी हैव डिस्कस, जो नेक्स्ट अभी दिया हुआ है, सम लेक्स आर सीजनल।
एंड सम लेक्स आर कॉल्ड एज एन सॉल्ट वाटर लेक, कुछ ऐसी हैं जिनका पानी नमकीन होता है. सो दिस कैन बी योवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड नेक्स्ट पॉइंट. लाइक सांबर लेक इन राजस्थान, इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक. कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट विल बी द फ्रेश वाटर लेक. वो लेक्स जो ग्लेशियर के कॉन्टिन्यूसली मेल्ट होने से बन रही है, जहां का पानी बार बार रिप्लेस होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द ओरिजिनेटिंग ग्लेशियर फ्रॉम द हिमालयन रीजन, दे आर कॉल्ड एज द फ्रेश वाटर लेक. एंड वुलर लेक ऑफ द जम्मू कश्मीर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रेश वाटर लेक. इसके अलावा फ्रेश वाटर लेक में आपका लाइक डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकताल, बारा पानी, दे आर ऑल्सो सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द फ्रेश वाटर लेक. तो यहां तक आपने बड़े अच्छे से लेक्स के फाइव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए होंगे. समर लेगून लेक, समर सॉल्ट वाटर लेक, समर फ्रेश वाटर लेक, समर परमानेंट, समर सीजनल एंड समर द ऑक्सबो लेक. तो यहां आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड द इजी क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लेक्स. लेक्स हमारे किस किस काम आती हैं? तो अगर हम बात करेंगे पानी की, तो सबसे पहला मेन कैरेक्टरिस्टिक हमारा यही आएगा कि दैट लेक वाटर, इट हैव बीन डैम्ड, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है एंड इट इज यूज्ड टू जनरेट द हाइडल पावर. एंड सो फॉर द पर्पज मैनी लेक्स हैव बीन फॉर्म्ड, लाइक आपके गुरु गोविंद सागर जो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट बनाया गया था, वहां पर लेक्स का पानी हाइडल पावर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है. तो दिस विल बी योवर फर्स्ट यूज ऑफ द लेक्स. नाउ कम टू द सेकेंड, लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू. लेक्स हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ द रिवर. ठीक है, नदियों का पानी लगातार यहां से निकलकर जाता रहता है. इट हेल्प्स इन द रेगुलर फ्लो ऑफ द रिवर. थर्ड विल बी ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल. हैवी रेनफॉल के समय पर इट प्रिवेंट द फ्लड. कितना सारा पानी ये अपने अंदर ले लेती हैं. इट प्रिवेंट द फ्लड एंड नॉट ओनली इट प्रिवेंट द फ्लड, इट इज वेरी यूजफुल इवन इन द ड्राई सीजन. ड्राई सीजन में लेक्स का पानी इरिगेशन पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, दैट लेक आर यूज टू डेवलप द हाइडल पावर. नेक्स्ट यूज ऑफ द लेक इज दैट दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग. जहां भी पानी होता है, जो भी वाटर एरिया होता है, आपको पता है कि विंड फ्लो होती है सी टू लैंड एंड इट कन्वर्ट द टेम्परेचर और द क्लाइमेट मॉडरेट. वहां पर मौसम हमेशा सुहाना बना रहता है. तो लेक्स दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग. They give life, they support the life of many aquatic animal, many aquatic ecosystem have been maintained in the lakes. Lakes enhance the natural beauty. Lakes help in the developing of the tourism and it provide recreation. So these are some of the important uses of the lakes. तो डोंट आई थिंक कि आपको ये सारी चीजें समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही इजी थी और कहीं ना कहीं आपके माइंड में पहले से भी थी. तो इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स के लिए आपको बहुत ज्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा. आई नो इट कि ये आपको पढ़ते पढ़ते ही सारा लर्न हो गया होगा. थोड़ा बहुत जो आपको देखना पड़ेगा, दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लेक. तो अभी के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं एंड सेम इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ द रिवर. Goodbye, take care.